भारत माता की आज के इस 26 जनवरी 2004 के फंक्शन में हमारे साथ जुड़कर इंडिया मीडिया लिंक एंड इवेंट्स मैनेजमेंट को बधाई देने के लिए भी जुटे हो, साथ ही वो समाज सेवा में आपका सहभाग हुआ कि जिस समाज सेवा को लोग बहुत बारीकी से देखना चाहते हैं। आज हमने जिस धरती पर, मतलब 11 साल से हम इसी स्थान के ऊपर टाटा के कैंसर अस्पताल के पेशेंट्स, साथ में उनके रिश्तेदार, साथ में कई अन्य ऐसे लोग जो मुंबई के फुटपाथ के ऊपर बिल्कुल चद्दर के बिना, मतलब बिछोने के बिना सोते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग साल में एक बार इस 25 जनवरी मतलब 26 जनवरी की रात के वक्त पूरी रात भर उनको ब्लैंकेट डोनेशंस करते मुफ्त में। साथ में एक मिठाई का बॉक्स होता है जिसमें स्वीट्स वगैरह होता है, और एक पाउच होता है पानी का, साथ में एक फ्लैग होता है जो अट्रैक्टिव होता है, वो हमको उनको डिस्टर्ब किए बिना हम उनके सिराने रखकर हम लोग आगे आगे जाते हैं गेट ऑफ इंडिया तक। अगर बच गया तो हम लोग आशीर्वाद बंगला जो राजेश खन्ना का है वहां तक भी आते हैं, क्योंकि लोग फुटपाथ पे सोने वाले काफी होते हैं जिनके पास कोई ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं होता है। तो 11वां साल ये हमारा है आप सबके आशीर्वाद से, जो हम लोग सहयोग करने का प्रयास करते हैं, और आपके सहयोग से वो चीज कामयाब 11 साल तक तो हो चुकी है। और आप सब यहाँ जमा हुए लोग अभी भी वहां पर है, आप देख रहे हो कि उनकी मांग ज्यादातर है, हम पूरे नहीं पढ़ पाते। हम मुंबई शहर के अंदर कितना भी सहकार्य करें, कितना भी डोनेट करें, तो मुंबई शहर में कमी है, लेकिन उतना ही लोग पेट भर के खाना खाते हैं। मुंबई में आज के तारीख में कुत्ता भी भूखा नहीं सोता है, इतने मुंबई शहर के लोगों से सपोर्ट मिलता है और वो आप सबकी बदौलत मिलता है। इसलिए मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं, मेरे अपने परिवार, मेरा इंडिया मिलेनियम सीमेंस मैनेजर और जितने लोग आप तो मीडिया के सारे मेरे ही लोग हो, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। जैसे कि दादा ने अभी कहा कि 11 साल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और मैंने माइक में बोल दिया कि 111 साल हम इसको और आगे करेंगे और उससे भी आगे बढ़कर करने वाले हैं। थैंक यू। और दूसरी बात तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए। मैं अभी यही इच्छा रखता हूँ कि सब, अभी कोरोना तो फ्री हो चुका है लेकिन फिर कोई वायरस आ रहा है,
तो सब सेफ रहिए, अच्छे से रहिए और हमें ऐसे ही आशीर्वाद दिए कि हम हमेशा हर साल ऐसे कार्यक्रम करें। संख्या है सर, हम अभी फिलहाल यहाँ पर 2000 हमारे पास ब्लैंकेट है और हमारी टीम ऑलरेडी घूम रही है 11 बजे से, टीम हमारी ऑलरेडी घूम रही है, तो टोटल हमारे पास कुछ 4500 ब्लैंकेट्स है और फूड पैकेज है और उसके अंदर फ्लैग भी रखा है हमने लोगों के लिए। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं आरिफ खान, इंडिया मीडिया लिंक एंड इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से, जो आज के रवि दादा मेरे बड़े भाई, इन्होंने जो काम किया है और जो 11 वर्षों से कर रहे हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि उनके पुत्र ने, राहुल भाई ने कहा है कि हम 111 साल तक ये कार्य करते रहेंगे, तो मुझे बड़े गर्व लगा, बड़ा फख्र लगा कि आज मैं ऐसे दिलदार लोगों के बीच में खड़ा हूँ कि जो ऐसे कड़क सर्दी में, और ख़ास तौर से उस दिन पर 26 जनवरी, मतलब ये ऐसा एक इवेंट है कि इंडिया में ये मैं समझता हूँ कि पहला फ्लैग अगर कोई लहराता है तो दादा लहराता है, क्योंकि उसकी हकीकत बताता, 25 दिसंबर रात 12:01 पर ये तिरंगा लहराते हैं हर साल, ये दोनों हॉस्पिटल आमने सामने, टाटा कैंसर और केएम दोनों के बीच में, और कई मरीज देखो कितने पेशेंट आए हुए हैं, पेशेंट को खाना भी देते हैं, उसके बाद में कंबल भी देते हैं, और सर्दी से जो अकड़ते हैं बेचारे, जो यहाँ वो सब कुछ ला नहीं पाते, तो उनके लिए कितनी बड़ी सुविधा हो जाती। तो ये सोच जो है ना, ये सोच ही इंसान को बड़ा बनाती है, और ऐसी सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। बस दादा इतना ही कहूँगा आपके लिए, आपके लिए इतना ही कहूँगा दादा कि गली गली में ये चर्चा आम हो, आपका फलक के चांद से ऊँचा मकाम हो आपका, गली गली में चर्चा ना, ये गली गली में ये चर्चा आम हो आपका, फलक के चांद से ऊंचा मकाम हो आपका, रवि दादा नाम मदद का मदद मिले सबको, कि आसमां की बुलंदी पे नाम हो आपका। थैंक यू, बोले तो एकदम झकास झकास। गुड इवनिंग सबके लिए, सबके लिए प्रजासत्ताक के दिन की शुभकामनाएं देता हूँ सब भारतीय वासियों को और यहाँ के लोकल जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है। 11 साल से पहले रवि सर और मैं, हमने कुछ हम कुछ अलग करते हैं, उसी तरह हमने ये देखा कि यहाँ के लोग जो यहाँ कैंसर पीड़ित रहते हैं, जो पेशेंट्स ऊपर रहते हैं, उनके रिलेटिव्स के लिए शेल्टर नहीं होता है तो ये फुटपाथ पे रहते हैं, तो हमने इसकी जांच करे 11 साल के पहले, और हमने सोचा कि ये जितने भी फुटपाथ पे लोग सोते रहते हैं उनके लिए शेल्टर नहीं होता है, खाना नहीं होता है, एक दिन के क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए इस तरह से कुछ किया जाए, तो इस तरह से करने का ये है मकसद। ये जितने भी आज के दिन है, 26 जनवरी की गणतंत्र दिन की शुभकामनाएं के दिन के पर सबको एक आज़ादी, समानता और कुछ बंधुभाव मिले, और इस तौर पे ये मकसद करके हम लोग ये आज का दिन चुना है। इसको 11 साल हो गए हैं आज तक, जितने भी सेलिब्रिटी आए, आज अनिल कपूर आए, बहुत सारे सेलिब्रिटी यहाँ पर इसके पहले भी आ चुके हैं, आप लोग का सबका मीडिया का भी साथ रहता है, मगर ये भाईचारा, ये कम्युनल हारमोनी इस तरह से बढ़े रहे, बने रहे, सबका मंगल हो, सबका आशीर्वाद हमारा साथ हो, और ये दुनिया इस तरह से खुशहाल, भारत विकासमय मंगलमय हो जाए, इसकी शुभकामनाएं देता हूँ और थैंक्स बोलता हूँ सर। थैंक यू, शुक्रिया। आज केम रुग्णालय परिसरात के रवि सरांनी इंडिया मीडिया लिंक एंड इवेंट्स मैनेजमेंट या त्यांच्या संस्थेच्या वतीनं जे फुटपाथवर रुग्णावर झोपलेले असतात, रुग्णांचे नातेवाईक असतात किंवा रुग्ण असतात, त्यांच्यासाठी जे ब्लँकेट्स आणि इतर काही वाटप करण्याचा प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जे काही आयोजन केलेलं आहे त्यासाठी आम्ही त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। थँक्यू सो मच। भोईवाडा पोलीस ठाणे हद्दीतील केएम रुग्णालय आणि टाटा रुग्णालय दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने गरीब रुग्णांना ब्लँकेट वाटप केली, तसेच काही फ्रूट्स वगैरे दिले, त्याबद्दल मी आमच्या भोईवाडा पोलीस ठाणे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुभाष बोराटे तसेच सर्व अधिकारी आणि यांच्यातर्फे त्यांचा खूप खूप धन्यवाद करतो। सर्वप्रथम तर माझा सर्वांना जय महाराष्ट्र। उद्या 5:30 के रवी दादा यांनी आज इथे कॅन्सर पेशंटांना रस्त्यावर त्यांचे नातेवाईक अशा उघड्यावरती थंडीच्या मौसम मध्ये आणि विना अथरूनच राहतात आणि त्यांना आज ब्लँकेट वाटायचं काम हे 11 वर्ष करतात, मॅनेज करणार असे विचार अजून सर्वांचे व्हायलाच पाहिजे। भरपूर लोक इथे दानी आहेत, ह्या अशा काही लोकांमुळेच मुंबई ही टिकलेली आहे, आणि तुमच्या सर्वांचा सहयोग आहे, मीडियावाल्यांचा पण सहयोग आहे, सगळ्यांचा, ह्या इकडची स्थानिक पोलीस चौकी आहे, स्थानिक नगरसेवक आहे, हे लोक पण चांगलं सहयोग करतात,
आणि अशा प्रकारे केल्यामुळेच हा प्रोग्राम चांगला होतो आहे आणि तुमचा लोकांचा सगळ्यांचा सहयोग असंच राहो ही सदिच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. त्याच्या ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए, भारतीय जनता को इसकी बहुत जरूरत है. और के रवी दादांचं तर हे काम तुम्हाला दिसतंय पण असं ते न दिसणारे पण असे खूप लोकांना गरजवंत लोकांना मदत करतात आणि हे काम पूर्ण आपल्या देशामध्ये प्रजासत्ताक दिवस 26 जानेवारीला सगळे सकाळी झेंडे फडकवतात पण के रवी दादा 26 जानेवारीच्या अगोदरच 12:05 झेंडा पण फडकवतात आणि गरजवंत लोकांना त्यांच्या गरजेच्या गोष्टी सगळ्या हाताने वाटतात. याच्यापेक्षा मोठा प्रजासत्ताक दिवस असं मला काय वाटत नाही दुसरा कुठला होता सर. बाकी त्या लोक आपल्या आपल्या सगळ्या सांगतात तर दादा के रवी दादा आणि त्यांच्या टीमला मी किशोर बच्छाव ॲक्टर माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा आणि थँक्यू, धन्यवाद. थँक्यू सर. लिंक इव्हेंट अँड मॅनेजमेंटच्या तर्फे मी सर्व जनतेचं आधी आभार मानतो. 26 जानेवारी निमित्त हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. कॅन्सर पेशंट किंवा रस्त्यावरती काही पीडित लोक झोपलेली असतात त्यांच्यासाठी हा कार्यक्रम आपण राबवतो. ब्लँकेट्स आणि मिठाईचं योगदान करतो. तर पुढे हा कार्यक्रम असाच चालू राहील अशी मी शुभेच्छा देतो आणि सर्व जनतेचं आभार मानतो. थँक्यू सो मच.